एचएम न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। हेलो नमस्कार दोस्तों, एचएम न्यूज की एक और नई फ्रेश वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि आप किस प्रकार से घर बैठे बड़ी ही आसानी के साथ अपना ओरिजिनल आधार कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए अब आपको किसी भी दुकानदार के पास जाकर आधार कार्ड, लोकल आधार कार्ड प्राप्त करने के लिए पैसे नहीं देने पड़ेंगे। आप उसी पैसे से अपना ओरिजिनल आधार कार्ड घर बैठे मंगवा सकते हैं, वो भी बड़ी ही आसानी के साथ। तो इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है, वो हम इस वीडियो में बताएंगे। उससे पहले आपको बता दूँ, आपको वीडियो पूरा देखना है। अगर आप ज़रा सी वीडियो स्किप करते हो सकता है आप कोई स्टेप मिस कर दो और आप आधार कार्ड प्राप्त ना कर पाओ। तो चलिए सबसे पहले आपको बता दें, आपको प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पर आपको टाइप करना है एम आधार। चलिए हम टाइप करते हैं एम आधार। एम आधार टाइप करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर एक एप्लीकेशन आ रही है एम आधार। मैंने इसको पहले से ही डाउनलोड किया हुआ है, आप इसे डाउनलोड कर लीजिए और ओपन करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यह एप्लीकेशन कुछ इस प्रकार से ओपन होती है। इसमें आपको बहुत सारी सुविधा मिल जाती हैं। तो चलिए हम बात करते हैं ऑर्डर आधार रीप्रिंट सर्विस के बारे में। तो सबसे पहले आपको इस पर क्लिक करना होगा। चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इम्पॉर्टेंट नोट के ऊपर ध्यान देना होगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर एक पर लिखा हुआ है ऑर्डर आधार रीप्रिंट इज़ अ पेड सर्विस, यानी कि इसके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा, ये फ्री सर्विस नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है ऑर्डर आधार रीप्रिंट बाई पेइंग नॉमिनल फीस 50 रुपये, यानी कि आपको इसके लिए 50 रुपये देने पड़ते हैं, जो कि स्पीड पोस्ट चार्ज होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर एक अच्छी बात ये दी हुई है कि यह आधार कार्ड सिर्फ 5 दिन के अंदर ही आपको डिलीवर कर दिया जाता है आपके रजिस्टर्ड एड्रेस के ऊपर। तो इसके बाद हमको सबसे पहले टर्म एंड कंडीशन के ऊपर टिक करना होगा और ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर दिया हुआ है आई हैव अ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या एन अनरजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। क्या आपके आधार में आपका मोबाइल नंबर लिंक है? अगर लिंक है तो आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर क्लिक करना होगा। चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर मांगा जाएगा। चलिए हम यहाँ पर अपना आधार नंबर डाल रहे हैं। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पर आपको ये जो कैप्चा दिया हुआ इसको इसमें फिल करना होता है। चलिए हम ये फटाफट से कैप्चा भी इसमें फिल कर लेते हैं। फिल करने के बाद रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करना है। चलिए हमने इस पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाता है, वो ओटीपी हमको इस यहाँ पर फिल करना होता है। चलिए हमारा ओटीपी आ चुका है, हम इसमें फिल कर रहे हैं। फिल करने के बाद वेरीफाई पे क्लिक करना होता है। दोस्तों, इस वक्त लॉकडाउन की वजह से यहाँ पर एक मैसेज शो कर रहा है, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है, इन द वेक ऑफ लॉकडाउन डिक्लेयर्ड बाई GOI प्रिवेंट द स्पेड COVID-19 प्रिंटेड एंड डिस्पैच सर्विस फॉर आधार लेटर एंड एड्रेस वेरिडेशन पिन लेटर हैव बीन टेम्परेली सस्पेंडेड। दोस्तों, यहाँ पर दिया जा रहा है कि लॉकडाउन की वजह से आधार कार्ड प्रिंटेड सर्विस जो थी अभी कुछ समय के लिए बंद कर दी गई है। जैसे ही ये सर्विस खुलेगी आपका आधार कार्ड आपको भेज दिया जाएगा। फिलहाल के लिए यह सर्विस अभी बंद की गई है। अब आपको इसमें कुछ नहीं करना होता है। जैसे ही आप वेरीफाई पे क्लिक करते हैं आपका आधार कार्ड आपके पास भेज दिया जाता है और आपको 50। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक करें, और अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और जब ये सर्विस ओपन हो जाएगी तो मैं इस पर दोबारा से एक वीडियो बना दूँगा। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हम जब भी नया पार्ट या नई वीडियो कोई अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।